हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेलमेंट। लेकिन उससे पहले आप सबको पता ही है कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट की पूरी प्लेलिस्ट अपलोड हो रही है साथ के साथ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ आई बटन में मिल जाएगा। तो पिछले लेक्चर्स भी देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दूं कि आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको लीगल अपडेट्स मिलते रहते हैं और भी लॉ से रिलेटेड बहुत ही अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेलमेंट क्या होता है। ठीक है, तो बेलमेंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल की तरफ देखते हैं। ये हूं मैं शीनम और ये है मेरी फ्रेंड प्रेरणा। ठीक है, तो होता ये है कि प्रेरणा मेरे पास आती है और कहती है कि मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे तुम्हारी एक्टिवा चाहिए। ठीक है, मैंने कहा ठीक है आपको मेरी एक्टिवा चाहिए तो तुम ले जाओ। ये मेरी एक्टिवा को अपने साथ ले जाती है। ठीक है, और जब भी काम इसका हो जाएगा मुझे मेरी एक्टिवा ये रिटर्न कर देगी। ये क्या हुआ? ये हुआ बेलमेंट। मतलब जब भी कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी कोई भी चीज दे देता है फॉर अ पर्पस, कोई एक पर्पस के लिए, तो उसे हम कहते हैं बेलमेंट। अब इस केस में मैंने अपनी एक्टिवा प्रेरणा को दी, ठीक है, एक पर्पस के लिए, कि प्रेरणा को थोड़ा सा काम था उस पर्पस के लिए मैंने उसको एक्टिवा दे दी, और जब भी उसका काम कंप्लीट हो जाएगा वो मुझे वापस कर देगी, उसे हम कहेंगे बेलमेंट। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकती हैं। अब अगर हम किसी शॉप पे जाकर अपना मोबाइल रिपेयर कराने को देते हैं या अपनी कार सर्विस के लिए देते हैं, एक्टिवा सर्विस के लिए देते हैं, वो सब क्या है? ये बेलमेंट है। तो देख ही रहे हैं आप कि बेलमेंट हमारी डे टू डे लाइफ में कितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बनता रहता है। नॉर्मली अगर आपसे कोई आपका बुक भी ले जाता है आपका फ्रेंड, तो वो भी तो बेलमेंट है। रीड करने के बाद अगर वो आपको दे दे वापस तो उसे हम बेलमेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये सारी एग्जांपल्स होंगे बेलमेंट। अगर हम कहीं पर जाते हैं और अगर हमने कोई पेट रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कोई डॉग है, मैंने अब महीने भर के लिए बाहर जाना है, मैंने अपने डॉग को अपने पड़ोस के घर में संभालने के लिए दे दिया है, तो ये भी तो एक बेलमेंट है। मतलब हम बेसिकली अपने गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं और फिर बाद में हमारे गुड्स जो है हमारे पास आ जाते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होगी सारी बेलमेंट की एग्जांपल्स। अब सेक्शन 148 से लेके सेक्शन 171 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बेलमेंट के बारे में ही बात की गई है। और सेक्शन 148 बेलमेंट की एक डेफिनेशन देता है, जिसे कि मैंने आपके सामने यहां पर लिख दिया है, और इसे एक बार रीड करने से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि बेलमेंट क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल्स दे दी। अब जिस भी पर्सन को मैंने अपने गुड्स दिए किसी भी पर्पस के लिए, वो पर्पस कंप्लीट हो जाए तो वो मुझे मेरे गुड्स वापस भी कर सकता है, या फिर अगर मैं उसे कहूं तो वो उन गुड्स को डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है। डिस्पोज ऑफ का मतलब निपटा भी सकता है, आगे बेच भी सकता है मेरी अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर मैं ऐसी इंस्ट्रक्शंस दूं तो। ठीक है, यही बात कही गई है इसी डेफिनेशन में। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई है। सेक्शन 148 इस डेफिनेशन के साथ साथ दो टर्म्स के बारे में बात करता है, एक है बेलर और दूसरी टर्म है बेली। और सेक्शन 148 कहता क्या है कि जिस पर्सन के गुड्स होते हैं ना, जिस पर्सन के गुड्स होते हैं और जो पर्सन देता है अपने गुड्स किसी दूसरे पर्सन को, उसे हम कहते हैं बेलर। और बेली कौन होता है? जो गुड्स को लेता है उसे हम बेली कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल में शीनम इज द बेलर एंड प्रेरणा इज बेली। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा सेक्शन 148 क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, राहुल ने अमित से एक बुक ली है पढ़ने के लिए। राहुल ने अमित से बुक ली है पढ़ने के लिए, और आपको ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस एग्जांपल में बेलर कौन है और बेली कौन है। अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो आप जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितना इन्वॉल्व होते हैं इस टॉपिक में। ठीक है, आगे बात करते हैं फीचर्स ऑफ बेलमेंट के बारे में। मुझे नहीं लगता इसे मुझे लिखने की जरूरत है, आप लोग लॉ के स्टूडेंट्स हैं, आप इसे अपने आप भी सोच सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के।
देखिए मैं आपको वैसे ऑरली बता देती हूँ, इसमें दो पार्टीज होती हैं, एक बेलर और दूसरा बेल। ठीक है, ये बेलमेंट बिना कंसिडरेशन के भी हो सकती है और कंसिडरेशन के साथ भी हो सकती है। कैसे होती है उसे हम आगे देखेंगे। बेलमेंट हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की नहीं होती है। ये इसका फीचर है और ये ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, इसके साथ ही बेलमेंट करने से सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ऑफ गुड्स ही ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी फ्रेंड मेरे से मेरी एक्टिवा लेके गई है थोड़े टाइम के लिए, फिर भी उस एक्टिवा की ओनर मैं ही रहूंगी। हाँ, वो बात अलग है कि उस एक्टिवा का पोजीशन मेरी फ्रेंड के पास चला जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ पोजीशन की ट्रांसफर होती है, ओनरशिप की ट्रांसफर नहीं होती है। तो ये है इसके फीचर्स। तो आगे आता है टाइप्स ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट दो बेसिस के ऊपर हम इसकी कैटेगरीज बनाते हैं, इसकी टाइप्स की, बेनिफिट के बेसिस के ऊपर या फिर कंसिडरेशन के बेसिस के ऊपर। ठीक है, बेनिफिट के बेसिस के ऊपर तीन टाइप्स की बेलमेंट हो सकती है। पहली फॉर द सोल बेनिफिट ऑफ बेलर, दूसरी फॉर द सोल बेनिफिट ऑफ बेली, और तीसरी फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ द पार्टीज। ठीक है, तो यहां पर पहले बात करते हैं सोल बेनिफिट ऑफ बेलर। मतलब अब ये ऐसा बेलमेंट है जहां पर सिर्फ और सिर्फ बेलर का ही फायदा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी फ्रेंड मेरे पास बैठी है, मैंने उसको कहा कि तुम मेरी एक्टिवा ले जाओ और उसमें पेट्रोल भरवा के ले आओ। अब उसमें उसका तो कोई फायदा नहीं है, फायदा तो मेरा, मेरी एक्टिवा में पेट्रोल आ रहा है। दैट मीन्स कि बेलर का सिर्फ फायदा हो रहा है इस बेलमेंट में। तो ये उसकी एग्जाम्पल होगी। फॉर द सोल बेनिफिट ऑफ बेली की एग्जाम्पल लेते हैं। मेरी फ्रेंड है, वो कहती मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे अपनी एक्टिवा दे दो, मैंने कहा ले जाओ। अब वो मेरी एक्टिवा लेके गई है, इसमें उसका काम कंप्लीट हो रहा है, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है, उसे फायदा हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ बेली के फायदे के लिए हो सकता है। और तीसरा फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ, कि अगर मेरी फ्रेंड है वो कहती है कि मुझे उस साइड से थोड़ा सा काम है, मुझे अपनी एक्टिवा दे दो, मैंने कहा ठीक है तो मेरी एक्टिवा ले जाओ, लेकिन आते वक्त उसमें पेट्रोल भी डलवा देना। मतलब यहाँ पर मेरा भी काम हो रहा है पेट्रोल का, मुझे भी फायदा हो रहा है और उसको भी फायदा हो रहा है कि उसका भी काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब बेलर और बेली दोनों को ही फायदा हो रहा है, तो म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ। आई होप आपको अब ये साइड क्लियर होगी। बात करते हैं हम इस साइड के बारे में, ये दैट इज कि बेलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन कितने टाइप्स की होती है। लेकिन ये पढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि कंसिडरेशन क्या होता है। कंसिडरेशन होता है बदले में, मतलब अगर मैंने अपनी फ्रेंड को एक्टिवा दी उसको यूज करने के लिए, तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, दैट इज कंसिडरेशन। ठीक है, तो कहते हैं कि ये ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन दो टाइप्स की होती है बेलमेंट, दैट इज ग्रेचुटस बेलमेंट एंड नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट। ग्रेचुटस बेलमेंट का मतलब होता है जहां पर कंसिडरेशन नहीं होती है। ये ध्यान रखना, यहां पर कंसिडरेशन नहीं होती है। ठीक है, मतलब अगर सिंपली मेरी फ्रेंड मेरे पास आती है और कहती है मुझे काम है, मुझे एक्टिवा दे दो, मैंने कहा ले जाओ, और फिर वो अपना काम करके मुझे मेरी एक्टिवा वापस कर देती है, तो यहां पर उसने मुझे उस अपने काम के बदले में, उस चीज के बदले में मुझे कोई पैसे नहीं दिए, कुछ भी वापस में नहीं दिया, तो मतलब मुझे कंसिडरेशन नहीं मिली। ये हो गई ग्रेचुटस बेलमेंट की एग्जाम्पल। लेकिन अगर मैंने अपना एक्टिवा को कहीं पे सर्विस करने के लिए दिया है सर्विस सेंटर में, ठीक है, उसके बाद जब उसकी सर्विस हो गई है, एक्टिवा वापस आई, बदले में मैंने उनको पैसे दे दिए, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर मैंने उनको कंसिडरेशन उनकी दे दी है सर्विस सेंटर को, तो वो हो गई नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट की एग्जाम्पल। अगर आप अपना फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कुछ भी सर्विस के लिए देते हो, उसके बदले में आपको कंसिडरेशन उन्हें देनी पड़ती है, वो सारी की सारी एग्जाम्पल्स हो जाती है नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट की। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 150। सेक्शन 150 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि अगर गुड्स को हम बेल कर रहे हैं, उसमें कोई भी फॉल्ट है या डिफेक्ट है, तो बेलर की ड्यूटी है वो बेली को बता दे। अगर मेरी फ्रेंड मेरे पास आती है, कहती है कि मुझे एक्टिवा चाहिए, मैंने कहा ठीक है ले जाओ। अब अगर उस एक्टिवा में कोई भी फॉल्ट है, फॉर एग्जाम्पल उसकी अगर ब्रेक्स अच्छे से नहीं चलती है, तो मेरी ये ड्यूटी है, बेलर की ये ड्यूटी है कि वो बेली को बता दे कि इस एक्टिवा में ये फॉल्ट है। ये तो बात हो गई सेक्शन 150 की। आगे बात करते हैं सेक्शन 151 की।
आप लोगों ने वो जो रील्स वगैरह या शॉर्ट्स वगैरह देखी होगी कोरोना के टाइम पीरियड में, जिसमें कहते हैं कि अपना सैनिटाइजर है तो सिर्फ पुछ, और अगर दूसरों का सैनिटाइजर है तो पुछ 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 पुछ। तो एक्चुअली में क्या है कि अपना है तो उसे उसे तो बहुत ध्यान से यूज कर रहे हैं हम, लेकिन अगर किसी दूसरे का सैनिटाइजर है तो उसे हम बस केयरलेसली यूज करते जा रहे हैं, वेस्ट करते जा रहे हैं। सेक्शन 151 यही कहता है कि अगर आपको कोई भी गुड्स अपनी बेल करता है तो बेली की ड्यूटी बनती है कि उन गुड्स का देखभाल भी करे, उनका ध्यान रखे। मतलब अगर मेरी फ्रेंड मेरी एक्टिवा लेके गई है, ये नहीं है कि पागलों की तरह उसे चलाना है, नहीं, उसका ध्यान रख के उसको चलाना है जैसे अगर वो अपनी एक्टिवा का रखती, बिल्कुल वैसे। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर टेक्स्ट भी कर सकते हैं। और एक और बात, आप ना मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर क्वेश्चन पूछा कीजिए सीधा, ठीक है? कि अब आप लोग क्या करते हैं, आप में से कई लोग ऐसे होते हैं मुझे सीधे मैसेज करते हैं हाय या हेलो या एक्सक्यूज मी, आगे कुछ नहीं लिखते हैं। तो ऐसे मैसेजेस का रिप्लाई करने का टाइम नहीं होता है, सीधा आप मुझे हाय, आप मेरे यूट्यूब से आए हैं और आगे सीधा ही क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं, देन आई विल रिप्लाई। ओके, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे पार्ट टू में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।